सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए एजिट्रम 10% जेल्स। एजिट्रम 10% जेल्स का क्या यूज़ है, कब इसको यूज़ करना चाहिए, कितने दिन तक यूज़ करना चाहिए, ये यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, ये यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट होता है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन डाले गए हैं और ये किस प्रकार काम करता है और डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड्स करते हैं। तो एजिट्रम 10% जेल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किया है, अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं एजिट्रम 10% जेल, जो कि हमारे पास 15 ग्राम का ट्यूब है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी 212 यानी कि 212 रुपये के करीब इसकी एमआरपी है। एजिट्रम 10% जेल्स को माइक्रो लैब्स की लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नॉनसेंस कंपनी और बहुत सारे डर्मा प्रोडक्ट और एलोपैथिक्स मेडिसिन भी बनाती है। एजिट्रम 10% जेल्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल्स डाला गया है जिसका नाम है एजिलिक एसिड 10% वेट बाई वेट। एजिट्रम 10% जेल्स के यूज के बारे में बात करो तो उसका यूज मुहासों के इलाज में किया जाता है। सरल भाषा में बताएं तो अगर आपके फेस पे पिंपल्स टाइप या एक्ने टाइप या मुहासे टाइप हुआ है, यानी कि आपके चेहरे पे कुछ ज़्यादा ही दाने टाइप हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए एजिट्रम जेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसको यूज़ करने का तरीका बताया तो इसको आप अपने अफेक्टेड एरिया यानी कि आपके पिंपल्स या मुहासे हुए उसी एरिया पे लगाए, सब जगह इसको न लगाए। इसके यूज़ करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपके चेहरे पे जो पिंपल्स या एक्ने टाइप हुआ तो वो धीरे धीरे निकल जाएगा। एजिट्रम 10% जेल्स अगर आपका कंटिन्यू बेस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के देखरेख में कर रहे हैं और कंटिन्यू बेस पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपको होगा इस्तेमाल वाली जगह पे रिएक्शन, जैसे जलन, खुजली या लाली में हो सकती है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो एजिट्रम 10% जेल्स का इस्तेमाल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में करें। एजिट्रम 10% जेल्स किस प्रकार काम करता है? एजिट्रम 10% जेल्स के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि एजिलिक एसिड्स, वो मुहासे के कारण बनने वाले बैक्टीरिया को मारकर तथा त्वचा के इन्फ्लेमेशन यानी कि लालपन और सूजन को कम करके काम करता है। एजिट्रम 10% जेल्स आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। एजिट्रम 10% जेल्स को यूज़ करने के पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें या फिर उनसे एडवाइस ले, बाद में जेल्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से जेल्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो एजिट्रम 10% जेल्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर बताएं। एजिट्रम 10% जेल्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।